नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चावड़ा। मेरे YouTube चैनल लाइफ विद पीसी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक बुक की, जो बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ। उसके राइटर है एकहार्ट टोले। मुझे इसमें से काफ़ी कुछ अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ उसके चार पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। तो इस बुक में ऐसा क्या है? तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे लाइफ में सीरियसनेस बढ़ती जाती है, हम गंभीर होते चले जाते हैं। जो बचपन में छोटी छोटी बातों में हमें मजा आती थी, वो गायब होने लगती है। इस बुक में जो चार पॉइंट की मैं यहाँ पे आपके साथ बात करने वाला हूँ, उसमें कुछ ऐसा बताया है जिसको हम एक्सेप्ट करें, अगर हमारी लाइफ में इसको अप्लाई करें तो काफ़ी कुछ सुधर सकता है। लाइफ वैसे ही परफेक्ट ही है, लेकिन कभी कभी हमको लगता है कि ये इसमें कमी है, मुझे ऐसा करना चाहिए। समस्याएँ काफ़ी हैं, लेकिन उससे निकलने के लिए जो हम बात करते हैं, एक जो वर्ड है EQ, इमोशनल क्वोशन्ट। ज़्यादा लोग IQ पर फोकस करते थे, लेकिन पिछले दो दशकों में कुछ ऐसे संशोधन हुए जिसकी वजह से बात हमें पता चली कि IQ सक्सेस में 10% आपका रोल निभाता है, जबकि EQ इमोशनल क्वोशन्ट आपका जो भावनात्मक सूचकांक है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो करीबन 90% है, यानी कि 90% होता है। इस वीडियो में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डोंट थिंक टू मच, यानी कि ज़्यादा मत सोचो। क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हो, आप अननेसेसरी थॉट जिसकी ज़रूरत नहीं है वैसे विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। हमारा जो मन है वो काफ़ी चंचल है, एक बात पे टिकता नहीं है। हम देखेंगे, हमने सुना भी है, काफ़ी लोग बताते भी है, पढ़ा भी है, करीबन एक दिन में हमें 60,000 थॉट आते हैं। ये 60,000 जो आपके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, उसमें से करीबन 90% जो आपके थॉट है वो आपके काम के नहीं होते और रिपीट ही होते हैं, वो कल की बात होते हैं। यानी कि ये जो थॉट प्रोसेस है वो हमें बहुत कंफ्यूज कर देती है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका जहाँ तक देखें तो नेगेटिव प्रभाव हमारे सोचने पे जीने पे पड़ता है, आपकी जो क्षमता है कैपेबिलिटी वो कम हो जाती है। तो आपको ऐसी बातों पे नहीं सोचना चाहिए जिसकी जीवन में आपको कोई ज़रूरत नहीं, जिसका आपके लाइफ में कोई महत्व नहीं है। दूसरी यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, यानी कि हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। ऐसी बातें नहीं है, काफ़ी समस्याएं काफ़ी हमारे सामने सिचुएशन आती है जिसमें हम पॉजिटिव सोच नहीं सकते, लेकिन ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन में हमेशा अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ बुरा होता है तो साथ में अच्छा भी होता है। हर एक जो इवेंट होता है, इंसिडेंट होता है, उसका आपको एक ऐसा एस्पेक्ट यानी कि उसकी ऐसी साइड आपको मिलती है देखने को, जिसमें आपको लाभ भी होता है। अगर आप सफल नहीं होते तो उसमें से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है, यानी कि निष्फलताएँ जो हमारे जीवन में आती है वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तीसरी जो बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है लिव इन प्रेजेंट, यानी कि हमेशा वर्तमान में रहिए। भूतकाल की बातें छोड़ दीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में भूतकाल में कुछ खराब कुछ ना कुछ ना हुआ हो। वर्तमान में हम जियोगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा? आपका हर एक दिन, जैसे कि आज का दिन आपको जीना है, आप उसे बढ़िया बनाइए। एक एक दिन जैसे बढ़िया बनता चला जाएगा, आपकी लाइफ पूरी सुंदर होती चली जाएगी। अगर भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भविष्य क्या है। वो कल की बात है जो आने वाला है, और कल जो आपका आज बनेगा यानी कि वर्तमान। तो फिर वर्तमान को ही आप ट्राई कीजिए ना इम्प्रूव करने का। इससे क्या होगा, जितना प्रेजेंट में जियोगे उतना आपका लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर होता चला जाएगा। और जो लास्ट में फोर्थ पॉइंट, सिचुएशन जो भी हो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। जैसे कि काफ़ी बातें हमारे जीवन में होती है, काफ़ी ऐसे प्रसंग भी आते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। कंट्रोल अगर आपका नहीं है उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जो आप कर सकते हो उस पर आप मेहनत कीजिए, बाकी सब खुदा के यानी ईश्वर के प्रति आप समर्पण करके उस पर छोड़ दीजिए, वो आपके साथ अच्छा ही करेगा। लाइफ में अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि एक एज पे पहुँच के हमें ये सोचना चाहिए कि हम लाइफ को बेहतर बनाएंगे। हर दिन अभी इसी टाइम यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप लाखों कदम चलना चाहोगे, शुरुआत तो आपको छोटे से एक कदम से ही करनी पड़ेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।